सरकार के विफलताओं का जीता जागता उदाहरण है चिरौंदी का ओल्ड एज होम, अब बन गया है अपराधियों का अड्डा। झारखंड सरकार के अधिकारियों की लापरवाही का नमूना रांची के चिरौंदी का ओल्ड एज होम है, जो 5 साल बाद भी अपने उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। झारखंड सरकार बनने के बाद लोगों ने कुछ नया होने और कुछ बदलने का सपना देखा था झारखंड के लोगों ने, लेकिन झारखंड सरकार कामकाज करने के बजाय आरोप प्रत्यारोप में ही फंसी रह गई है। इसका खामियाजा झारखंड के बुजुर्गों को भी उठाना पड़ रहा है। आरोप प्रत्यारोपण के जलम में झारखंड की राजधानी रांची के चिरौंदी के ओल्ड एज होम का हाल बेहाल हो गया है। 2016 में रघुवर सरकार के कार्यकाल में चिरौंदी के इस ओल्ड एज होम का शिलान्यास किया गया था, लेकिन 5 साल बीतने के बावजूद अधिकारियों की लापरवाही के कारण अब तक यह सरकारी ओल्ड एज होम में ताला जड़ा हुआ है। ओल्ड एज होम बंद होने के कारण बुजुर्गों को तो आशियाना नहीं मिल सका, उल्टे यहाँ ओल्ड एज होम अब नशेड़ियों और अपराधियों का अड्डा बन चुका है। उल्टे यहाँ पर तो पैमाना चालू हो जाता है, आपको अंदर में जाइएगा तो दारू शराब सब, और तो और क्या, रात में मतलब ये है कि लड़की लड़की भी लाता है सब, तो आदमी अगल बगल क्या बोलेगा आदमी सब। यहाँ पर तो अब तो मतलब ये दूसरा हो गया, अरंडी खाना बन गया है, मतलब लड़की लाता है सब, दारू वारू पीता है। यहाँ के अंदर में देखिए आपको सब कुछ मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक फेंका हुआ मिलेगा, बोतल दारू का मिलेगा, सब जुआ हुआ अड्डा बना हुआ, आराम से पीछे से बैठे हुए रहता सब मिलता है। तो इससे मतलब जो है कि ओल्ड एज होम क्या बना, ये तो मतलब बहुत एक शराबियों का अड्डा बन गया है, एक जगह बन गया है, क्रिमिनल का अड्डा हो गया। सब जो है कि यहाँ पर आते हैं आराम से, 8-10 आदमी बैठते हैं, ग्रुप बनाते हैं किधर क्या करना है, लूटपाट क्या करना है, मतलब जो है सब अपना यहाँ सामने अपना चलता है। यह ओल्ड एज होम महिला बाल कल्याण विभाग के तहत तैयार किया गया था। ओल्ड एज होम जनता की गाढ़ी कमाई से करोड़ों की लागत से बनकर पूरी तरह से तैयार है। यहाँ तक पहुँचने के लिए एकमात्र कच्ची सड़क है, जो बरसात के दिनों के कीचड़ से लबालब हो जाती है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण स्थानीय लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब तो बरसात में आते तो आप यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं, नहीं तो है कि अभी है रोड सूखा हुआ है तो चले आए। ओल्ड एज होम बंद होने के कारण अपराधियों का जमावड़ा लगने के कारण यहां आए दिन आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं। इस सरकारी ओल्ड एज होम में शाम होते ही नशेड़ियों और जुआरियों का आना जाना शुरू हो जाता है। आए दिन कई अपराध इस इलाके में होते रहते हैं। प्रशासन की पूरी तरीके से मूर्ग दर्शक बनी हुई है। यूं कहें तो सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये और लापरवाही के वजह से आम जनता परेशान है। एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, लाइन था नहीं, लाइन भी हम लोग अपने से करवा कर इतना दिन चल रहा था, अभी पोल आया है, इसके बाद एक बार भी कोई भी नहीं गया है, यहाँ से एप्लीकेशन भी गया हुआ है नगर विकास आयुक्त के पास, हम लोगों ने भेजा था पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अभी सबसे अहम बात यह है कि ये अगर खुल जाता है, ये ओपनिंग हो जाती है इस जगह की, तो ये जगह के लिए डेवलपमेंट का काम करेगा। अभी जो ये रांची में रहते हुए भी रांची से कटा हुआ है, वो अभी इस जगह में बहुत ऐसा जगह है जिसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और हमारे सामने ये एक जो अभी ये गैर मुजरवा ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, ये सबको भी यहाँ के दलाल जो होते हैं, ज़मीन दलाल हैं, ये लोग बेचने का कार्य कर रहे हैं, जो सरकारी संपदा का दुरुपयोग होगा, ठीक है, इन सबको रोकना चाहिए, यहाँ पर रोड बनाना चाहिए, नाली का समुचित व्यवस्था करना चाहिए। और यहाँ पर अभी चोरी की घटना मेरे 6 महीना से मैं देख रहा हूँ कुछ बढ़ गई है, मेरे आने के बाद का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर चोरी हो रही है और प्रॉपर रिपोर्ट भी यहाँ पे कोई कर नहीं रहा है। हमको ये नहीं पता कि यहाँ के अगल बगल के चलते हो रहा है या फिर बाहर से कोई आके कर रहा है, पर बिना लोकल सपोर्ट के कोई ये सब संभव नहीं है। प्रशासन यहाँ पर तभी आता है जब यहाँ पर कुछ होता है, जैसे बोरिंग होता है तो आ जाता है प्रशासन पैसा लेने के लिए, बस उससे ज़्यादा यहाँ पे एक बार भी ये भी नहीं कि यहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग हो, वो भी नहीं होती है। यहाँ पे PCR 27 है इस एरिया में, इधर कभी नहीं आती है गश्त लगाने के लिए, तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर ये सब घटना बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हम भी सर इसमें लगे सोच रहे हैं कि चालू हो जाए तो हमरो काम मिल जाएगा कि हम लोग जिए खाएँ, बाल बच्चा हम लोग सुखी से रहे, पढ़े लिखे,
हम भी लोग कोशिश करते हैं कि चालू हो जाए। जैसे कि हम हलवाई आयु वाले काम करते हैं तो बूढ़ा बूढ़ी की सेवा करेंगे, हम लोग को भी मौका भी मिलेगा। मान के चलिए जब इसका अथी हो, हाँ हाँ कुक का काम। ओल्ड एज होम के बनने के बाद अब इंतजार है इसके उद्घाटन का। कब तक हेमंत सरकार की नजरें इनायत होती हैं, इसका इंतजार बुजुर्गों के साथ स्थानीय निवासियों को भी है। अब देखना है कि समाज कल्याण की ओर से बुजुर्गों पर ध्यान कब तक आता है, इस ओल्ड एज होम की शुरुआत कब तक होती है। वृद्धाश्रम कहें या फिर ओल्ड एज होम कहें, ये कहीं ना कहीं राज्य की जितनी भी वृद्ध महिलाएं हैं उनके लिए यह आश्रय बनाया गया था, मगर अब तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए एकमात्र जो सड़क है वो भी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाई है, कच्ची सड़क है। बरसात के दिनों में यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। सहयोगी संजय गुप्त के साथ मैं विकास। जोहार, मैं नगेंद्रनाथ गोस्वामी, रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस के उपाध्यक्ष। सिल्ली वासियों, झारखंड वासियों और देश वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। मैं डॉक्टर रमेश प्रसाद, संचालक सिंहपुर नर्सिंग होम का, मैं समस्त सिल्ली वासियों को और समस्त देश वासियों को नव वर्ष की शुभकामना देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि लोग शांतिपूर्वक नव वर्ष को मनाएं। जोहार, मैं सीमा कुमारी गोंजू, मुखिया लुपुंग पंचायत सिल्ली। मैं समस्त सिल्ली वासियों, झारखंड वासियों एवं समस्त भारत वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देती हूँ।